उत्तर बिहार का कुख्यात शराब तस्कर और माफिया चिन्नू ठाकुर गिरोह के दो बदमाश को पुलिस और मद निषेध की टीम ने धर दबोचा। बताया गया कि मद निषेध पटना की सूचना पर मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। मौके से लगभग 1857 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार का बड़ा शराब माफिया और कुख्यात तस्कर चुन्नू ठाकुर के गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से अवैध शराब की खेप को जब्त कर लिया है और इस दौरान एक वाहन को जब्त किया गया है। पटना मद निषेध की सूचना के बाद कांटी थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर यह कार्रवाई की है, जिसमें कुख्यात शराब तस्कर चुन्नू ठाकुर मौके से फरार हो गया, जबकि उसके दो शागिर्द रवि मास्टर और अमित चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। को काटी थाना को बिहार के पटना के मद निषेध टीम के द्वारा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक विदेशी शराब का जो एक ट्रक है और उसके साथ उसको स्कॉट करते हुए एक गाड़ी जो है काटी थाना अंतर्गत जो एरिया उससे गुजर रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए काटी थाना की पुलिस और यहाँ की मद निषेध टीम ने नाकाबंदी वगैरह की और उसके बाद वो जो सदातपुर से जो दरभंगा मोड़ के बीच का जगह है वहीं पर उस गाड़ी को वो रोड से हट गई थी, उसको पकड़ा गया पीछा करके। उस गाड़ी में लगभग 1800 लीटर विदेशी शराब मिला, वो एक ट्रक थी और उसके साथ एक जो स्कॉट वाली गाड़ी थी वो भी पकड़ा गई। गाड़ी में दो लोग को पुलिस पकड़ने में सफल हुई, बाकी कुछ लोग भाग गए जिनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। जो दो लोग पकड़ाए वो यहाँ उनके ऊपर दर्जनों केसेज हैं, एक उसमें से रवि है और दूसरा जो है उसका नाम अमित है, ये तुर्की का रहने वाला रवि है और ये उत्तर बिहार में काफ़ी शराब के केसेज में ये है। इसके साथ जो और भी भागने में सफल रहे व्यक्तियों में चिन्नू ठाकुर थे और जो अभी नहीं पकड़ा है, तो इस तरह से इस मामले में एक बड़ी सफलता हमें हासिल हुई है। चिन्नू ठाकुर बड़ा शराब का माफिया बताया जाता है, उसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई? अब चूंकि अभी तो हम लोग पकड़े में सफल नहीं रहे, लेकिन अब इसके ऊपर और कड़ी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इंटेलिजेंस और मद निषेध की टीम इससे काफ़ी खंगाल रही है डेटा और जल्द से जल्द हमें कुछ सफलता मिलेगी। शराब कहाँ से मंगवाई गई थी और किसको? शराब हरियाणा से मंगवाई गई थी और ये कंसाइनमेंट अभी इस पर हम लोग इस बिंदु पे काम कर रहे हैं कि और इसको कहाँ भेजना और इसमें और कितने लोग संलिप्त हैं, ये तो अभी पूरा इस चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं इनके लिए काम कर रहे हैं ये शराब ये जो पकड़ा है ये खुद में ही एक बहुत बड़े शराब माफिया है। ये रवि नाम का है जो शराब माफिया है। तो शराब और ये चीज कंसाइनमेंट कहाँ जा रही थी इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो गिरोह है ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें अभी काफ़ी लोग और भी संलिप्त है, तो वो तो अब जांच हो रही है, उन्हें भी हम लोग पकड़ेंगे। बाईस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे। हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स, पुरानी बाजार नियर SBI ATM मुजफ्फरपुर। एक मौका हमें भी दें। ये एशियन पेंट्स का GX19, इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।